चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। जी, हम मुंबई से जिला पालघर बोईसर से आया हूँ और वहाँ पे मतलब खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था हमारे पास। इसके लिए हमको वहाँ से किसी सब चंदा वंदा करके पैसा वैसा लेके हमको आना पड़ा वापस। हम लोग को 5 दिन हुआ है निकले मुंबई से और रास्ते में जो खाना पीना मिलता रहा उसी को खाते पीते आए और अभी हम लोग को बहराइच तक जाना है गाँव। यही ऑटो से मैं कभी कमाता था खाता था और सारा काम बंद हो गया और हमारे भाई भी वहाँ रहते थे कंपनी में, तो कंपनी भी बंद हो गई। वहाँ कंपनी वाले ने कहा हम पगार नहीं दे पाएंगे, भाई आपको जाना है तो चले जाइए, हमारे पास खुद पैसे नहीं तो हम कहाँ से तुमको देंगे। जी, मैं ये सोच के चला था सर कि मतलब अगर कोरोना है क्या भूखे मरने से बेहतर ये है कि अगर मरना है तो ऐसे ही मर जाएंगे, क्या मतलब है। अब यहाँ भूखे रहने से छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो 10 रुपया 1 रुपया 2 रुपया मांगते नहीं रहता हमारे पास तो उनको कहाँ से देंगे, तो ऐसा ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है। अब जो होगा अल्लाह के भरोसे छोड़ के हम लोग चल दिए वहाँ से। पैसा वैसा हमें ना मिला है, राशन कभी कदार मस्जिद में मिलता था और कंपनी वंपनी चल नहीं रही, सब बोले सेठ कि चले जाओ बैठ के, थोड़ी हम पैसा नहीं दे पाएंगे इसलिए हम लोग चले आए। अभी आप क्या करेंगे वापस जाके अपने गाँव में? अब सुने हैं कि अभी लगता है कि 2-3 महीना बंदी रहेगा, इसीलिए मैं भाग गया हूँ ये सुन के। अब काम चालू होगा तो फिर जाना पड़ेगा। ये बताइए कि सरकार ने अभी 2 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है जी, आपको लगता है आपको पैकेज में कुछ मिल रहा है, पैकेज के बारे में पता है आपको? जी, 1000 रुपया मोदी सरकार ने दिया था मुझे, उसके बाद में फिर लोगों को दिया मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं था और मेरे बच्चे भी वो चाय गिर गया था तो जल गई थी इसके लिए, और मैं वैसे भाग गया कि मेरे पास कुछ था ही नहीं। यहाँ भूखे रहने से तो बेहतर है कि मतलब वहाँ घर पे रहेंगे तो गांव वाले भी मदद कर सकते हैं और लोग भी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे तो सरकार पहले पूछती है कि हाँ कहाँ रहते हो, अब रहने के बाद में जब वहाँ का आदिवासी है तो वहाँ के लोगों को मिलता है और हम लोग जब बताते तो बोलते जो मिल रहा है वही मिलेगा, बाकी और नहीं मिलेगा उसी को खाइए। आपका खाता है चंदन योजना में, आपके खाते में पैसा आया कुछ? हाँ, 500 आया। आया था? हाँ। तो 500 में क्या पूरा पड़ता है आपको? 500 में कहाँ पूरा पड़ेगा, बच्चे हैं। जिस दिन दवा लेके आए जिस दिन बच्चे का पैसा आया था उस दिन बच्चे का दवा लेके आए और पहले चक्कर आया तो हमारे करंट लग गया उसके दवा लेके आए। तो अभी गाँव जाकर क्या करेंगे? गाँव जा के खाएंगे बैठेंगे, जो करना हो भाजी वाजी की दुकान वही करेंगे, जो छोटा छोटा। क्या इरादा है अभी? अभी कुछ नहीं इरादा। Thank you.